अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाइट ऑफ पॉलिटी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबू बकर नईम। आज हम डिस्कस करेंगे वेंटिलेशन, ईसीएच के अंदर वेंटिलेशन किस तरह कंट्रोल मैनेज की जाती है, किस तरह की वेंटिलेशन होती है। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर आप जो है अपने स्टॉक अपने हाउस के अंदर टेम्परेचर जो है वो लेवल सही नहीं कर सकते, आप उसका जो है वो गैसेस जो हैं उसके लेवल को सही नहीं कर सकते और ऑक्सीजन लेवल को सही नहीं रख सकते, सी ओ टू लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपके वेंटिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फ्लॉप वजह से आने के लिए। जितनी अच्छी आपकी वेंटिलेशन होगी उतना अच्छा आपका जो है वो फ्लॉप जो है वो अच्छे से डेयर होगा और आपको मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आसानी होगी। सो तीन तरह की वेंटिलेशन की टाइप कौन कौन सी हैं? टनल वेंटिलेशन, ट्रांजिशन वेंटिलेशन, मिनिमम वेंटिलेशन। ये तीन वेंटिलेशन की जो है वो टाइप्स हैं। जो टनल वेंटिलेशन है ये समर के अंदर यानी गर्मियों के अंदर इसको फॉलो किया जाता है और ये इसके अंदर जो है वो मेनली टनल फैंस यूज होते हैं, इसके अलावा पैड्स यूज होते हैं, ठीक है, कूलिंग पैड्स। और इसके साथ जो है वो जो दूसरी टाइप है जो ट्रांजिशन वेंटिलेशन है ये यूज़ की जाती है जब दरमियाना मौसम होता है उसके अंदर, ठीक है, यानी आउटसाइड जो है वो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो उस मौसम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन वेंटिलेशन को। उसके अंदर जो है वो साइड फैंस भी कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ही वेंट्स भी ओपन किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पैड भी यूज़ किया ले जाते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो तीसरी जो टाइप है वो है मिनिमम वेंटिलेशन, उसके वो की जाती है सर्दियों के अंदर, ठीक है, जब यानी विंटर वेदर होता है उसके अंदर जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। और उसके अंदर सिर्फ साइड पैड भी उसमें क्लोज होते हैं, टनल फैन भी उसमें क्लोज होते हैं, सिर्फ उसमें वेंटिलेशन के लिए ताकि इंटरनल एयर को बाहर निकाला जाए और एक्सटर्नल फ्रेश एयर जो है वो इनसाइड लाई जाए, ठीक है। उससे क्या है कि ऑक्सीजन लेवल हमारे अंदर ठीक रहेगा और अंदर की जो गैसेज है यानी अमोनिया या सी ओ टू वो रिमूव हो जाएंगी। उसके लिए फिर वेंट्स को यूज़ किया जाता है और साइड फैंस यूज़ होते हैं, तो उसमें फिर अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो वेंट्स ओपन होते हैं और जो है क्लोज होते हैं। तो इसमें डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो टनल वेंटिलेशन है, टनल वेंटिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मियों के अंदर इसको जो है वो फॉलो किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है कि हम क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और हमें इनसाइड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो इनसाइड टेम्परेचर कम करने के लिए हम जो है फिर क्या करते हैं कि हम कूलिंग पैड्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ जो है हम हमारे जो फैंस हैं इनका इस्तेमाल करते हैं और जो टनल फैंस हैं इनको यूज़ करते हैं। हम सिर्फ हम कैलकुलेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो फैंस और पैड्स को चलाते हैं, पैड्स को जो हम ताकि कूलिंग हो उसके लिए हम वाटर उसमें चलाते हैं, उसको वेट किया जाता है, उससे जो है वो बाहर की जो हवा है वो अंदर ठंडी होकर आती है, इससे बर्ड का चिलिंग इफेक्ट अच्छा रहता है और बर्ड जो है वो फ्रेश महसूस करता है अपने आप को। और इसमें फिर जो है वेंटिलेशन भी साथ साथ होती जाती है, इंटरनल एयर जो है बाहर जाती है और एक्सटर्नल जो है वो फ्रेश एयर अंदर आती जाती है, इससे ऑक्सीजन लेवल और सी ओ टू लेवल जो है वो अपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सही जाते हैं, अमोनिया लेवल सही जाता है। अच्छा, अब जो दूसरी टाइप थी ट्रांजिशनल वेंटिलेशन, ट्रांजिशनल वेंटिलेशन जो है वो दरमियाने मौसम के अंदर यूज़ की जाती है, इसमें आउटसाइड टेम्परेचर होता है उसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, दरमियाना सा मौसम होता है, तो इसके दौरान जो है हमें ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इसमें फिर हम क्या करते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू नीड चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, साइड फैंस अगर जरूरत हो उसमें वो यूज़ होते हैं, टनल फैन अगर जरूरत हो तो यूज़ होते हैं, कूलिंग पैड्स थोड़े बहुत यूज़ होते हैं, हाफ उसको कैची डाउन उसको यूज़ किया जाता है और जब टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग या कम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर वेंट्स को या फैंस को या पैड्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो मिनिमम वेंटिलेशन है वो होती है सर्दियों के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कूलिंग पैड टोटली बंद होते हैं, टनल फैंस टोटली बंद होते हैं, उसमें सिर्फ हम वेंट्स को यूज़ करते हैं और जो है वो जो साइड फैंस वो यूज़ होते हैं और वो इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जो इंटरनल एयर है उसको हम बाहर रिमूव कर सकें, इंटरनल जो गैसेज हैं लाइक अमोनिया लेवल है या सी ओ टू लेवल है उसको हम स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसको हम एक्सहेल करते हैं, इनसाइड जो एयर है उसको आउटसाइड एक्सहेल करते हैं और जो एक्सटर्नल एयर है उसको इनसाइड इनहेल करते हैं ताकि जो फ्रेश एयर है बाहर से अंदर आ सके और ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक रह सके। तो ये जो है इस तरह हम मैनेज करते हैं और कंट्रोल हाउसेज के अंदर जो सारी वेंट्स की ओपनिंग है या टेम्परेचर फैंस की जो है चलना है या उन पैड्स कूलिंग पैड्स का ये सेट किया जाता है कंट्रोल रूम के अंदर, ठीक है, कुछ जो फैंस हैं वो अकॉर्डिंग टू फैन चलाए जाते हैं, कुछ फैंस जो है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चलाए जाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो
वो अटेंड हो जाएगा, फैन बंद हो जाते हैं, जब कम हो जाते हैं फैन चल जाते हैं, इस तरह कूलिंग पैड जब जरूरत होती है तब उस वक्त जो है ऑन होते हैं। और इसी तरह जब मिनिमम वेंटिलेशन के अंदर सेंसर लगे होते हैं, CO2 लेवल या अमोनिया लेवल इंक्रीज होता है तो वेंट्स ओपन होते हैं और फ्रेश एयर अंदर आती है और इनसाइड एयर जो है वो एक्सहेल हो जाती है आउटसाइड। सो इस तरह सारी जो है वो मैनेजमेंट होती है। आई होप आपको जो है वो सारी वेंटिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।